प्रभु लाल के तो हंसी करेंगे गुरु जी हमारे कहा करते थे कि नजरे तलाश की नहीं तुलसी की घाट पे हाथों में चित्र फूल का चंदन लिए हुए असंभव को संभव करती चली गई सदा सावित्री सत्यवान का दर्पण लिए हुए हर हाथ दिखे भीगता बर्तन लिए हुए बड़ी प्यारी प्रीति आपकी आई कि जाने क्यों आपके द्वारा हुआ है मेरा शंकर आप क्या क्या किया करते हैं राम का नाम जो मेरा मैं संकर
आप क्या क्या किया राम का नाम तो राम शर लिया करते संख्याएं दर्शाई गई और क्या कुछ विरोधाभासी प्रयास किए गए और क्या पूरी हरदोई आइए अपनी ओर से भी आपके बिल्कुल फुर्सत से लिखे हुए गीत का मंच पे तत्काली प्रयास के द्वारा जवाब देने का प्रयास हो रहा है और अपनी ओर से कहना है दादाजी शिव है सर्व सर्वर परमेश्वर कष्ट हरे कष्ट हरे अभय दान रे कष्ट को हरे अभय दान दिया करते हैं कष्ट को हर के अभय दान दिया कर रहे हैं राम रामेश्वर इनका नाम लिया कर रहे हैं राम रामेश्वर इनका नाम लिया कर रहे हैं राम रामेश्वर इनका नाम लिया कर रहे हैं आपका प्रयास हुआ राम का नाम वो रामेश्वर लिया करते हैं लेकिन वो जो रामेश्वर है वो स्वयं राम का नाम लिया करते हैं क्या बात है एक दूसरे को अपना ईश्वर मानते हैं और ये हमारे देश की परंपरा है ये हमारे देश की संस्कृति है को छोड़ना पड़ता है सामने वाले वाले सम्मान करना पड़ता है भगवान राम शंकर को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान शंकर भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं चार दिया संख्या का प्रयोग किया इधर से एक शब्द का प्रयोग हो रहा है कैसे घूमते साथ साथ में सर्प से खेले मुरैला
व्यंजन में ज्वाला तो चटा में गंगा जल, ज्वाला गंगा जल, दोनों बातें एक दूसरे के लिए विपरीत हैं। अमृत तो कंठ में धारे कर, नयन में भाव भक्ति में शक्ति, भाव में भक्ति संग में शक्ति, पापी पाते हैं मुक्ति, ध्यान में ध्यान कर जो ध्यान किया करते हैं, ध्यान में ध्यान जो हर ध्यान किया करते हैं, अभी राम का नाम राम राम शरण जी का नाम लिया करते हैं, देखिए अगले प्रयास में आज जो सो भक्तियां आई कुछ रिश्ते बताए गए दादाजी, रिश्तों का प्रयास देखिए, सुरसरी साली सर रे सृष्टि है चंद्रमा के, साड़ू साड़ू है चंद्रमा पे, शिव शिव संग शिवा सोहे है अर्ध अंग साधे, त्रयंबकी त्रिलोचन है संकट विमोचन है, शिव सूर्य पे है काशी जाने ये त्रिभुवन है, जाने ये त्रिभुवन है, जाने ये त्रिभुवन है, आप प्रलय कर आप ही आप ही अजर और अमर किया करते हैं, राम का नाम वो रामेश्वर लिया करते हैं, बोले महेश श्री शंकर भगवान की जय। आपके गीत का यह प्रोग्राम के लिए प्रस्तुत है, कुछ नई आपसे कटकी इसका दौर चलेगा, लेकिन दादाजी एक गीत कभी आपके जमाने की है, एक एक बुलाई गई महेंद्र भैया, अरे की छूने को आजू हो तो
कुछ नहीं है जान है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसी माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थी और बाबा भोलेनाथ के स्वरूप का अवलोकन कर रही थी। बड़े ध्यान और जब उनके स्वरूप को देखा तो पार्वती जी के मन में कुछ प्रश्न उठ गए। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि भोलेनाथ ये आपके कंठ पे नीला नीला क्या है। फिर पूछा कि आपके गले में क्या है। फिर पूछा आपके त्रिशूल में क्या है। फिर कहा क्या कहा आपके मस्तक पर कौन होता है। तो जब पार्वती जी ने सारे प्रश्न पूछे तो दादाजी भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये कंठ नीला है। ये मेरा कंठ नीला क्यों नीला है। विष पीने का अंजान है कंठी को नीला नीला है। खिचड़ी ने इसमें जो रह जाला है। दादाजी दादाजी जहरीला है देवो पिया पीना है ये पीरो पीरा पीरा है। देवो पिया है ये पीरो पीरा पीरा है। प्रमाण हमारे गुलाब चाचा जी की ओर से हृदय से प्रणाम है। आइए माता पार्वती ने कहा आखिर ये आपका कंठ नीला क्यों पड़ा। भोलेनाथ कहते हैं सुनो प्रिय राह कह करके मुख को खोला और माँ कह के अधर को दंड किया। क्योंकि जब वो पुष्प मेरे मैंने मुख में लिया है वो उस नीचे जाना चाहता है। जय हो मेरे हृदय में श्री हरि नारायण विष्णु है वो झुलस जाते इसलिए मैंने रा रहा और जब रा रहा तो भी यहाँ रुक गए। और फिर वो कुछ बाहर बदलना चाहा अगर वो कुछ बाहर बदल जाता तो सृष्टि का विनाश हो जाता।
माँ कह करके माँ को बल कर दिया और इसका परिणाम इस गीत के रचनाकार हमारे परम आदरणीय सागर जी थे। दादाजी सागर जी खड़े हैं, जिनका सम्मान हो रहा है, बिल्कुल अग्रणी है। मेरी ओर से एक पुष्पहार मेहनत के मजे है। दादाजी का सम्मान महेंद्र भैया वो हर दूसरा प्रश्न आपके गले में आया तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं बड़े भैया श्री महेंद्र शुक्ला जी, आप हमारे नाम राशि हैं। बड़े भाई भी हैं आप, जोर से पुनः नाम है। लेकिन दादाजी तीसरा प्रश्न पार्वती जी का था कि आप ये त्रिशूल बन गया है। तब भोलेनाथ कहते हैं परमात्मा श्री राजेश कुमार मिश्री जो कि हमारे हैं, आपके कृपालु से ये स्वीकार कर रहे हैं, हृदय से नाम है। आइए भोलेनाथ का अगला प्रश्न पार्वती जी का और भोलेनाथ का जवाब। जैसे हो पिकअप
मिट्टी पर फूल बुलिए निज सूल पे काशी प्रकाशी जय है। और की ओर से देवी स्वरूप एक से एक रहे सुभाष सरदार भैया श्री सतीश कुमार सर जी जो लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, आपपुर से डायरी और ये 51 रहे हैं भैया को धन्यवाद है। भैया राकेश जी सुनेगा केवल दो पंक्ति और रहेगी। भोलेनाथ कहते हैं शंकर भगवान की।
आइए एक छोटा सा टुकड़ा खंड गीत के रूप में कहना है, एक गीत बजा कौन सा अंगुलिया ले ली जब मैं जोर जोर से पूरा 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 अंगुलिया ले ली जब मैं जोर जोर से आवाज है आती हर मैं चलू मची जाए होश वाले होश आए जी, हमारे छोटे भाई कुलदीप पांडे की ओर से 200 सौ किन पंक्तियों पे मैं तो चलू इस गदर मच जाए तो होश मेरे फोटो सीने से आए कि मेरे फोटो सीने से आए चिपका ले सैया तेरे को मेरी फोटो पड़ी भी यार चिपका ले सैया तेरे को मेरे फोटो पड़ी भी यार चिपका ले सैया तेरे को चिपका ले सैया तेरे को लखनऊ जनपद के राजधानी लखनऊ के अच्छे सुशील उदीयमान कलाकार आज श्री नीलेश ज्वाला जी आप ओर से ये क्या चल रहा है भैया का सादर प्रणाम है। अरे हमारे लखनऊ संयुक्त परिवार एक परिवार तालियां तालियां आज अगर जितने भी भटक भोले नाथ के बैठे हैं वो किस बात को जानते हैं किस बात को जयकार से गूंजता है जोर जोर से फिल्म वालों ने कहा मंगराइया ले ली जब जोर जोर से लेकिन अपनी ओर से जयकार से गूंजता है जोर जोर से और बम बम की है आवाज आती चारों ओर से अधिक मास लगेगा सावन का महीना लगेगा और कांवरिया लोग इधर से निकलेंगे बोल 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 जयकार से गूंजता है जोर जोर से बाबा की है आवाज आती चारों ओर से क्योंकि यही है जहां छुपाने से फिर देखो धड़कनों के तू मिला भक्तों को बरहत का
मिला भक्तों को बरहत काल मिला भक्तों को बढ़े तत्काल कालों के काल महाकाल से और महेंद्र भैया इतना ही नहीं तो हुए काल भी माला काल भी माला सभी जानते हैं कि हुए काल भी माला काल काल